Science Studio of Economics, Class 11, Video Number 14. Last video में हमने पढ़ा कि consumer equilibrium single commodity case में कैसे बनाते हैं और फिर उसके कुछ exercise कराया आपको. फिर हमने आपसे कहा था कि आपको equilibrium या तो one commodity case बनाने होंगे या more than one commodity case बनाने होंगे. ठीक है, तो अब चाहे आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, concept सबके लिए एक ही है. तो इसलिए हम एग्जांपल यहाँ पे 2 कम्युनिटी केस को लेकर चल रहे हैं. उसके लिए हमें पहले एक लॉ को जानना होगा, दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. व्हाट डज इट मींस? इट स्टेट्स दैट द कंज्यूमर स्ट्राइक्स इज इक्विलिब्रियम व्हेन द लास्ट रूपी गिव्स हिम इक्वल वैल्यू वेदर ही स्पेंड इट ऑन गुड एक्स आर गुड वाई. मतलब कि ये कह रहा है कि कंज्यूमर जब दो गुड्स या दो से अधिक गुड्स खरीद रहा है, ठीक है, तो जो लास्ट रुपया स्पेंड कर रहा है दोनों गुड्स पर, उससे जो मिलने वाली इक्विटी है, यूटिलिटी है, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए. मतलब जो आपका एमयू एक्स है, इसको अगर हम डी एक्स से डिवाइड करते हैं, ये हमेशा एमयू वाई अपॉन पी वाई के इक्वल आना चाहिए. मतलब कि कंज्यूमर ऐसा अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, कंज्यूमर जिधर ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाएगा उधर मूव करता रहेगा, तो इक्विलिब्रियम कभी नहीं बन पाएगा. मेरी बात को ध्यान समझिएगा कि अगर मान लीजिए आपको 1 रुपए में एक्स कम्युनिटी में 10 यूटिल्स मिल रहा है और वाई कम्युनिटी में 12 यूटिल्स मिल रहा है, तो नो डाउट आप वाई कंज्यूम करेंगे बिकॉज इट गिव्स यू 10 यूटिल्स. सो जहां पर जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि दोनों में मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका इक्वल होना चाहिए. यानी कि जो लास्ट रुपए स्पेंड हम कर रहे हैं वो एमयूएक्स अपॉन पीएक्स और एमयू अपॉन पीवाई दोनों में इक्वल आना चाहिए और वो दोनों इक्वल होना चाहिए किसके, एमयू एम के. ठीक है, तो ऐसे अगर आपका 3 कम्युनिटी है तो एमयूएक्स अपॉन पीएक्स इक्वल टू एमयू अपॉन पीवाई इक्वल टू एमयू जेड अपॉन पीजेड होना चाहिए. ठीक है, आइए ये तो था, इसी को हम कहते हैं लॉ गॉसन सेकंड लॉ. ठीक है, गॉसन का ये सेकंड लॉ के नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी. अब इसको हम आते हैं अपने एक न्यूमेरिकल पे समझते हैं कैसे इक्विलिब्रियम बनाते हैं. तो मान लीजिए हमारे पास एक केस है जिसमें दिया हुआ है कि कंज्यूमर के पास 10 रुपीज है और गुड एक्स और गुड वाई दोनों की प्राइस 1 रुपीज है. ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास एमयू एक्स शेड्यूल गिवेन है और एमयू वाई भी शेड्यूल गिवेन है, तो हम एमयू एक्स अपॉन पी एक्स निकाल लेते हैं. ठीक, तो एमयू एक्स अपॉन पी एक्स हम जब निकालने जा रहे हैं तो 24/1 दैट इज 24, 20 अपॉन अगेन 1 20, 16/1 16, 12/1 12, 8/1 1 8, 4/1 1 4, 2/1 1 2, और अब MUY अपॉन PY निकाल लेते हैं, अगेन 12/1 12, 10/1 1 10, 8/1 1 8, 4/1 1 4, 3/1 1 3, 2/1 1 2, 1/1 1 1. ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY ये दो जगह इक्वल कहां कहां होंगे, तो हम उन चीजों को राउंड कर देते हैं. तो एक हमारा यहां पर इसके साथ हम मिला देते हैं, इसको एक साथ एक काम करते हैं, इसको मिला देते हैं इससे. ठीक है, दूसरा हमारा इक्वल कहां पे हुआ है, 4/4 इसको मैं मिला दे रहा हूं, और कहीं पर इक्वल हुआ है 2/2 पर भी इक्वल हुआ है. ये आप तीन जगह देख रहे हैं जहां पर एमयू अपॉन पीएक्स और एमयू अपॉन पीवाई इक्वल हुआ है, लेकिन हमें इन तीनों में इक्विलिब्रियम कहां बनेगा. तो ध्यान से देखिए कि जब हमारा इनकम इस तरीके से स्पेंड हो कि जो हम क्वांटिटी एक्स की ले रहे हैं और जो क्वांटिटी हम वाई की ले रहे हैं उनको मिलाकर हमारी कुल इनकम के बराबर आना चाहिए, तो कुल इनकम हमारी है 10. अब हम ध्यान से देखें, जब 8/8 पर आना है तो उस टाइम हम एक्स की कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, एक्स की हम ले रहे हैं 5 क्वांटिटी, और एक्स की प्राइस कितनी है 1, तो दैट इज 5 × 1. अगेन उस टाइम हम y की कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, तो y की तो हम 3 क्वांटिटी ले रहे हैं, देखिए, तो दैट इज अगेन 3 × 1, तो दैट इज 5 + 3 = 8, एंड इट नॉट इक्वल टू 10. सो दिस इज नॉट द केस ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज देयर द
कंज्यूमर इज नॉट इन कंडीशन वेयर ही स्पेंड्स इट एंटायर इनकम, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। दूसरा हम चेक करते हैं फिर, और जहां जहां पर एम यू अपॉन पी एक्स इक्वल हुआ है एम यू अपॉन पी वाई के, ठीक है। तो देखिए सेकंड वाला फोर वाले पर आते हैं, यहां देखिए तो कंज्यूमर कितनी यूनिट ले रहा है एक्स की, तो एक्स की ले रहा है सिक्स यूनिट, तो और पी एक्स कितना है वन, तो वन इंटू सिक्स, और यहां पर वाई कितनी यूनिट ले रहा है, वाई की यूनिट ले रहा है वो फोर, तो वन इंटू फोर, तो ये कंज्यूमर स्पेंड सिक्स प्लस फोर, तो हियर टेन इज इक्वल टू टेन, तो हियर द कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम एंड हियर एम एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, तो ये है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अगर पूछे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां बना, तो व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स सिक्स यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड फोर यूनिट ऑफ गुड वाई, तो हियर द कंज्यूमर विल स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसका हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो ये हमारे पास है इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इस पर ध्यान दीजिए। हमने इस साइड में एम एक्स अपॉन पी एक्स लिख रखा है, इस साइड हम एम यू आई अपॉन पी वाई लिख रखा है, और ये आपका फोर एम यू एम है। तो ये कंडीशन क्या होना चाहिए, जब एम एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू आई अपॉन पी वाई और एम यू एम के इक्वल हो जाए, तो इधर से जब मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ एक्स से वाई की तरफ, तो ये हमारा शो कर रहा है क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, और जब हम इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें शो कर रहा है क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, ये वाली लाइन हमें शो कर रहा है एम यू एक्स एम यू आई अपॉन पी वाई, ये वाली लाइन हमें शो कर रहा है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे अगर वो एम यू एम के इक्वल होगा तो वो हमारा कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछिए, ठीक है। ओवरऑल इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा वो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहले आपने पढ़ा कि क्वार्टरली यूटिलिटी क्या है, जो मार्शल की थ्योरी है, उसमें उन्होंने बताया कि कंज्यूमर जब कंजम्पशन करता है सेटिस्फेक्शन नंबर्स में ड्राइव करता है, ठीक है, जिसको आप कार्डिनल नंबर्स बोले। फिर आपने पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, फिर टोटल यूटिलिटी क्या है, फिर मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी में रिलेशनशिप, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, फिर आपने पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वन कम्युनिटी केस में कैसे बनता है, और आज आपने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कम्युनिटी केस में कैसे बनता है। तो इसी के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर खत्म हो गया, और आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए, ठीक है। इस वीडियो को यही बाइंड अप कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। जय हिंद।